Good evening, everyone. Welcome again in Auscan's Overseas Education Private Limited. Today with us, Manav from Himachal, and let's talk to him. He will explain you each and everything, his journey with Auscan's Overseas Education. Let's talk to him. Yes, Manav, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आप कहाँ से आए हो? मैं सोलन, हिमाचल प्रदेश। सोलन, हिमाचल। तो आपको किसी ने रेफरेंस दिया था कि आपने ऑस्कैन से वीजा लगवाना है, या आपका खुद ही माइंड मेक बना कि वहाँ पे जाके हमने वीजा लगवाना है? खुद माइंड बना कि वहाँ जाके। आपको प्रोसेस फोन पे समझ में आ गया था? हाँ जी, प्रॉपर समझ में आ गया था। ये बच्चा डायरेक्ट हमारे साथ इसकी बात हुई है, और इस बच्चे ने टेलीफोनिक काउंसलिंग से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया, और मतलब हमारे पास आया नहीं था ये बच्चा, आया ये हमारे पास ऑफर लेटर के बाद, जो बाकी रेस्ट प्रोसेस होता है उसको पूछने के लिए आया कि ये आगे का प्रोसेस बताइए कैसे करना है। तो इस बच्चे ने यूके का वीजा लिया है। कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप? डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के ये होते हैं कि विद एल्स जा रहे हैं, विदाउट एल्स जा रहे हैं। मानव हैज डन हिज बीटेक इन इंडिया, और अब ये फर्दर प्रोसेस मास्टर्स के लिए जा रहा है। ही हैज राइट नाउ 5.5 बैंड, तो 5.5 बैंड के साथ हमने ये वीजा लिया है। ये जो मैं बोल रही हूँ 5.5 बैंड के साथ लिया है, ये सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? सही बोल रहा हूँ। 5.5, कई बार बच्चा कहता है मैम पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो, एक पैरामीटर्स होते हैं, स्टडी के पैरामीटर्स होते हैं, उनको आप भी फॉलो करते हैं, आपकी कंसल्टेंसी भी फॉलो करती है, तो वीजा आपका कहीं नहीं जाता है, ये श्योर है। आपको, आप श्योर थे कि ऑस्कैंस आपका वीजा दे देंगे? यस मैम। ऐसा भी तो हो सकता है वीजा ना आए, श्योर कैसे थे ये बताओ? भरोसा है मैम आप पे। फर्स्ट डे जब मेरी बच्चे से बात हुई थी टेलीफोनिक कॉल पे, दैट टाइम ही डिड सो मेनी डाउट कि मैम 5.5 पे तो लोग कहते हैं वीजा नहीं आता है, ऑफर लेटर ही नहीं आता है। और मेरा इनसे जो आंसर था वो ये था, आई विल गिव यू द ऑफर लेटर अलोंग विद वीजा, वही दे रही हूँ आज। यस मैम। ऑफर लेटर दिया, उसके साथ वीजा भी दे रहे हैं हम। ऑस्कैंस के जितने भी प्रोमिसेस होते हैं वो पूरे होते हैं। आप सोलन से हो, सोलन में आपको कोई कंसल्टेंसी नहीं मिली कि वहाँ जाके हम वहाँ से वीजा लगवा लें? नहीं मैम। तो ऑस्कैंस में आपका सफर कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा है। रिकमेंड करोगे आने वाले बच्चों को कि ऑस्कैंस में जाओ और आप वहाँ जाके वीजा लगवाइए? यस मैम, मैं रिकमेंड करूंगा। श्योर टी के साथ बोल रहे हो? yes, जैसे आपका वीजा आया बाकियों का भी आ जाएगा? आ जाएगा मैम। ठीक है, क्योंकि 5.5 में बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको वीजा नहीं देंगे। आपको डाउट होगा आपकी प्रोफाइल्स पे, आप एक बार मिलिए, आपको आपकी प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग गाइड किया जाएगा कि इन विच कंट्री यू कैन गो। और जिनके भी वीजे आते हैं, वीजा आने का मतलब स्ट्रगल भी होता है, एक नेचुरल ग्रोथ भी होती है जो बच्चा करता है। जब हम किसी भी कंट्री के लिए जाते हैं तो डैट मीन्स कि हम एक ग्रोथ के उस पार्ट पे अपना स्टेप रख रहे हैं, जो पार्ट हमें सिर्फ आगे ही जाने के लिए हमें हमेशा ही लेसन देगा। बैक स्टेप पे कोई भी बच्चा नहीं आता है। हाँ, हम लोग ये जरूर बोलते हैं यू आर गोइंग फॉर स्टडी, तो स्टडी शुड बी कम्प्लीट। अगर स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने जो आपको बेस दिया है और जो बेस हम देने जा रहे हैं वो कभी भी आर्टिफिशियल पैरामीटर्स पे बेस नहीं होता, एक परमानेंट पे आपका बेस होता है। अगर आप लोग स्टडी करते हो, आपको वर्क परमिट भी मिलता है, वर्क परमिट में आपके पॉइंट्स बनते हैं, तो पीआर भी आपकी एलिजिबिलिटी हो बन जाती है पीआर पे भी। तो गॉड ब्लेस यू मानव। थैंक यू मैम। अगेन, आपकी एरिया हिमाचल प्रदेश जहाँ से आप आए हो, उन लोगों को आप क्या रिकमेंड करोगे कि मैम यहाँ से वीजा लगाएं तो जल्दी मिलेगा? क्योंकि हिमाचल के लोग काफी आते हैं हमारे पास, कंफ्यूजन उनको ये होती है चंडीगढ़ इज वेरी फार फ्रॉम सोलन, हिमाचल, और आना जाना मुश्किल है। इस बच्चे ने भी तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया ना, जब हम आपका टेलीफोनिक काउंसलिंग पे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों के डाउट्स कब डेड होंगे? तभी डेड होंगे ना जब हम आप लोगों को वीजा देंगे। तो वीजा के लिए 2-3 महीने का तो पेशेंस एटलीस्ट रखना पड़ता है, जैसे मानव ने रखा है। प्रोसेस ऑन टाइम स्टार्ट हुआ था, जिस इनटेक के लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसी इनटेक में बच्चा जा रहा है, और उसी इनटेक का बच्चे का वीजा आया है।
और यही रिकमेंड करूंगी सबको, अगर कोई डाउट है ऑस्कैंस में आइए, वी ऑल आर द सीनियर हेयर, हमारी जो ऑस्कैंस की टीम है, मैनेजमेंट है, यहाँ के जो MD डायरेक्टर हैं, वो सब जितने भी मेंबर्स ऑस्कैंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो ब्रीफली आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसके बाद ही ये कंक्लूजन आपके सामने हम आप लोगों को दे पाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है ऑस्कैंस की आपके साथ रहेंगी। और अगेन थैंक यू सो मच ऑस्कैंस को चूज करने के लिए और ऑस्कैंस पे ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू।